हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल को 18 तक जेल। दोस्तों, एक्चुअली बात ये है कि एक न्यूज़पेपर में जो मुझे अभी न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है, उसके आधार पर मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लखनऊ में एक्चुअली जो ये सब केस जो चल रहा है, अभी जो अभिनव मित्तल जी हैं, अनुभव मित्तल जी, वो इस टाइम लखनऊ में हैं। तो दोस्तों, अभी 4 तारीख को उनको रिहा हो जाना था, उन्होंने तो उनको बेल मिल जानी थी, लेकिन अब उनकी जो कार्रवाई ये बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 18 तक की दी गई है। तो तब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तो वो तब तक जेल में हैं। और लेकिन मैं दोस्तों जो न्यूज़पेपर में आया है उसके उसकी न्यूज़ जो है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो जो न्यूज़ आई है वो उसमें ये बताया गया है कि हजारों करोड़ का घोटाला कर काले धन को सफ़ेद करने के आरोपी अनुभव मित्तल जी को शीघ्र प्रमोद या महेश दयाल को जेल से लाकर प्रभावी विशेष अन्याय के अनुसार समक्ष पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें आगे भेज दिया गया। उनकी जो हिरासत थी उसको कंटिन्यू करते हुए 18 मार्च की उनकी जो डेट थी वो रख दी गई है। मालूम पड़ता है कि 18 फरवरी को आरोपियों को गाजियाबाद जेल से लखनऊ जेल में भेजा गया था, जहां विशेष अधिकारियों के मुताबिक ये बताया गया है कि आरोपियों को 4 मार्च तक हिरासत में लिया जाना था और लखनऊ जेल में उनको भेजा गया था। उसके बाद उनको 4 मार्च को पेश करना था, उनकी 4 मार्च को हियरिंग थी, लेकिन वो जो थी हियरिंग उसको नेक्स्ट डेट मिल गई और जिसकी वजह से वो 18 मार्च कर दी गई है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से अब जो केस है वो काफ़ी लंबा जा चुका है। तो एक इसी के मुताबिक एक और जो न्यूज़ है वो भी आ रही है कि एल्बिस के खिलाफ 2500 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये भी सुनने में आया है दोस्तों कि जितनी भी अभी तक FIR हुई हैं उन सभी केसेस पे अलग से उनको बेल लेनी पड़ेगी, अलग से उनको जमानत वहां से लेनी पड़ेगी। दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि STF FIR अगर सभी STF और ED अगर वो अपनी जांच कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 18 तारीख से पहले क्लीन चिट दे देते हैं तो फिर अनुभव मित्तल जी को पहले वो जमानत ले सकते हैं। अगर वो क्लीन चिट दे देंगे तो फिर अनुभव मित्तल जी को 18 तारीख की वेट करनी नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों, डिपेंड करता है जितनी भी एजेंसियों ने अब तक कंक्लूजन निकाला है, जितनी भी एजेंसियों ने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो कोर्ट में पेश करेंगे, और जो भी इनका कंक्लूजन निकलेगा उसका जो भी उनका डाटा जो भी होगा, जो भी उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कोई सबूत मिले हैं वो पेश करेंगे, उनके आधार पर ही अनुभव मित्तल जी को जमानत मिलेगी और उनके जो साथी हैं उनको भी तभी जमानत मिल पाएगी, और जब इनको जमानत मिलेगी तभी हमारा वर्क जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। सुनने में ये भी आया है दोस्तों कि केसेस की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर सभी एजेंसीज जो हैं ED STF जिस सब अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे देंगे तो फिर अनुभव मित्तल जी को जमानत बहुत इजीली मिल सकती है। देखते हैं अब क्या होगा। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि दोस्तों, मुझे आप जैसे लोगों से ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पॉजिटिव रिजल्ट कुछ है इसके रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर लोगों तक आपकी बात को ज़रूर पहुँचाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पर क्लिक जरूर करें ताकि सोशल ट्रेड से और अच्छी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो के साथ।